आज बंदूकें सिर्फ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं तनी हुई है, AK-47 घर घर में तनी हुई है, क्योंकि हमने वहाँ मेहनत नहीं की। और फिर हम कहते हैं इंसान ऐसा होता चला जा रहा है, होगा बाई डिफॉल्ट होगा, क्योंकि जिस क्लासरूम में हम बच्चे को विनय क्या सिखाते हैं, वो विद्या ददाति विनयम का गीत रटाते हैं, उसी क्लासरूम में खड़े होकर हम बच्चे को कहते हैं कि यू आर वन ऑफ द 40 एंड यू हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द 40। आपको इन 40 बच्चों में सबसे पहले आके खड़ा होना है, और हर बच्चे को हम कह रहे हैं, और साथ साथ हम हर बच्चे को सिखा रहे हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, हम कहाँ से आएगी? कंट्राडिक्शन है हमारे कंटेंट में और हमारे प्रोसेसेस में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद इस फोरम पे रख के मैं इस बात को कह सकता हूँ। आज अगर मैं किसी ऐसे स्कूल के सामने खड़े होकर ये बात करना चाहूँ जिसके क्लासरूम में, एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे अभी टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं शायद उसको नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि उसको पहले मुझे उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पर कम से कम जिस फोरम में आज मैं खड़ा हूँ, फॉर्चुनेट हूँ मैं इस फोरम के साथ बात रखने के लिए, कि मैं इस इन मुद्दों पर आपसे बात कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ, और आप शायद उस बात को समझ सकते हैं प्रायोरिटी से। आपके मन में जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये क्वेश्चन नहीं घूम रहा, हम कैसे करें यार, हमको तो 150 बच्चे एक क्लास में बिठा के पढ़ाने पड़ रहे हैं, ऐसे ही होगा। सो हमारा कंटेंट बहुत कंफ्यूजिंग है, पूरे के पूरे स्कूल सिस्टम को एक नए सिरे से देखने की ज़रूरत है। जहाँ हम बहुत अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं, वहाँ हम अच्छी टीचिंग कर पा रहे हैं, अच्छा लर्निंग अभी नहीं है, लर्निंग नहीं है। उसका प्रमाण है कि किसी भी पढ़े लिखे आदमी के बारे में आप गारंटी नहीं ले पाएंगे कि ये आदमी जब सड़क पे गाड़ी चलाएगा तो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं करेगा। पढ़ाया तो था आपने, किसी एक एप्रोप्रिएट लेवल पे आके आपने ट्रैफिक रूल्स का चैप्टर पढ़ाया था, हाउ टू ड्राइव सेफ का चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन लर्निंग नहीं हुई, सिर्फ टीचिंग हुई, ये उस बात का प्रमाण है। लर्निंग हो गई होती तो जिंदगी भर के लिए हो गई होती। 2+2 जिस वक्त आप लर्न करा देते हैं, 90 साल की उम्र में भी आदमी मरेगा तो 5 नहीं बोलेगा, 4 ही बोलेगा, 3.5 पे भी सहमत नहीं होगा, क्योंकि 2+2 आपने लर्न करा दिया। लेकिन ड्राइविंग के रूल्स, सेफ्टी के रूल्स आप लर्न नहीं कराते, आप टीच करते हैं। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, और वो हम सोसाइटी में देख पा रहे हैं। सोसाइटी इंजीनियर्स मांगती है आपसे, एक स्कूल के रूप में आपसे डॉक्टर्स मांगती है, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स मांगती है, लेकिन वही सोसाइटी, दैट्स व्हाई आई सेड मैं स्वार्थ के तहत आया हूँ आपके पास में, ये मेरा स्वार्थ है जिस सोसाइटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं एक बहुत छोटे से हिस्से को उसका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन एक एजुकेटर से, एक प्रिंसिपल से, एक टीचर से, एक मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन से, एक एजुकेशन मिनिस्टर से अगर मैं इस तरफ आके खड़ा हो जाऊँ, ये सोसाइटी वो कंटेंट मांग रही है आज कि साहब हमने 2.5 साल का अपना बच्चा आपको दिया, आपको उसको फिजिक्स पढ़ाना है फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाना है केमिस्ट्री पढ़ाइए, लेकिन जब वापस दें तो एक अच्छा स्किल्ड आदमी भी हो, लेकिन एक आदमी भी अच्छा हो। उसमें अभी हम फेल हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? गीता रटा रहे हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, गीता पढ़ा नहीं रहे, रटा रहे हैं। हम वैल्यू एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, वैल्यू ऑफ एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे हैं। वैल्यू एजुकेशन के नाम पर कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, अपने घटना, मैं एक क्लासरूम में गया, वहाँ मैं संयोग था, गांधी जी ने सफाई के बारे में क्या कहा है पढ़ाया जा रहा था, ऑब्वियसली इट वॉज ए गवर्नमेंट स्कूल, और उस कमरे में जाले लगे हुए थे, जिन बच्चों पर, जिन डेस्क पर बच्चे नहीं बैठे हुए थे उन डेस्क को सुबह किसी ने साफ नहीं किया था, और कमरे की बाकी हालत क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हम गांधी जी के 3 चैप्टर पढ़ा के, गांधी जी के 3 सिद्धांत पढ़ा के, कि गांधी जी के सफाई के बारे में क्या सिद्धांत थे, उस बच्चे को पासिंग मार्क्स देंगे जब वो कॉपी में लिख देगा, और हम अपनी तीसरी कर लेंगे कि हमने तो सिखा दिया था सफाई, अब हम नहीं आई तो हम क्या करें। हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं पढ़ाने के नाम पे, वहां पे खड़े होके, और ऐसा बहुत सारी चीजों में हो रहा है, कुछ जाने हो रहा है कुछ अनजाने हो रहा है। हिमांशु जिस दिन मेरे पास आए थे मैंने इनको अचानक 2-3 उदाहरण दिए थे, कितना कंट्राडिक्शन है हमारे पढ़ाने में कि हम लोग एक, आप सब लोग पढ़ाते हैं, अगर स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चे की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं और से आती है, 360 डिग्री देख सकते हैं, सिंड्रेला की कहानी हम सब लोग पढ़ाते हैं, या सिंड्रेला जैसी कोई और कहानी हम सब लोग पढ़ाते हैं। एक लड़की थी बहुत खूबसूरत थी, उसका अफेयर था राजकुमार से, या वो राजकुमार को चाहती थी, फिर वो सुंदर नहीं रही किसी कारणवश, उसको कोई श्राप मिल गया, जो भी घटना घटी, दुर्घटना घटी, फिर उसके खराब दिन शुरू हो गए, फिर कुछ अच्छी घटना घटी, वापस उसको
सुंदरता मिल गई और वापस उसको राजकुमार मिल गया, यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। हमने अच्छा सोचा होगा कुछ, एक अच्छा वर्ड्स का, अच्छा ग्रामर का, अच्छा क्राफ्ट ऑफ सम, अच्छे राइटअप का क्राफ्ट क्या होता है, एक विजुलाइजेशन ऑफ इन दैट एप्रोप्रिएट एज लर्निंग पे क्या होता है, उन सब के बारे में सोच के कहानी इंट्रोड्यूस की। लेकिन उस कहानी का अंतर क्या पड़ा, उस कहानी का इम्पैक्ट क्या पड़ा बच्चे पे? उस कहानी का बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है कि इस दुनिया में जीने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है सुंदर दिखना, और सुंदर दिखने के लिए भले ही फेयर एंड लवली लगानी पड़े या किसी के ऊपर तेजाब फेंकना पड़े। आप सोच के देखिए कि आप ही के स्कूल में पढ़ने वाली एक सामान्य सी लड़की, जो मे बी कहीं ऐसे इलाके से या ऐसी परिवार से आती होगी जहां नाक नक्श उतने सुंदर नहीं है, जिनको हम अभी सुंदरता की परिभाषा में बैठ के उस कहानी में गढ़ते हैं, उस पर क्या बीतती होगी, उन पर क्या बीतती होगी जिन, और माने यहीं से एक बड़ा सोशल डिवाइड शुरू होता चला जाता है। हमने जानबूझ के नहीं किया, ये अनजाने में हो रहा है हमसे, पर इस जैसे कितनी घटनाएं हम नहीं कर रहे हैं। और हम एक हिंदी में विलोम शब्द पढ़ाते हैं, हम विलोम शब्द पढ़ाने में क्या बोलते हैं, स्त्री का उल्टा पुरुष का विलोम, आकाश का विलोम धरती, धरती का उल्टा आकाश, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। मैं इस फोरम से सारे एजुकेटर्स बैठे हुए हैं पूछना चाहता हूं कि ये तीनों उदाहरण जो मैंने लिए, धरती का उल्टा आकाश, दिन का उल्टा रात, स्त्री का उल्टा पुरुष, ये एक दूसरे के उल्टे हैं या प्रकृति में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, पूरकता में हैं। अगर नेचर के फाइबर में खड़े होकर देखेंगे तो, फैब्रिक में खड़े होकर देखेंगे तो ये एक दूसरे का ताना बाना है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेकिन क्योंकि हमको बच्चे को ग्रामर पढ़ानी थी, क्योंकि हमारे पास में शायद विलोम शब्द पढ़ाने के लिए उससे बेटर एग्जाम्पल नहीं था, तो हमने अपने, माफ कीजिएगा मुझे ये कहने के लिए, मूर्खताओं के चलते कुछ उदाहरण बच्चों के सामने रख दिए और वो जिंदगी भर उसके माइंड में लॉक हो गए। नौकर का उल्टा मालिक, मालिक का उल्टा नौकर, अब जिंदगी भर मालिक और नौकर उल्टे बने रहेंगे। आप ब्यूटी देखिए कि मालिक और नौकर तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं उस सिस्टम में, पर क्या आपके स्कूल में, मेरे स्कूल्स में, मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूं आज, मैं खुद जिम्मेदारी के साथ ये बात करना चाहता हूं आपके साथ। दैट्स व्हाई आई सेड कि आई एम नॉट हियर जस्ट फॉर दिस लेक्चर। मेरे अंदर कुछ दुख है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कुछ पीड़ा है, दुख का मतलब पीड़ा है, उस पीड़ा का समाधान शायद हम और आप दोनों मिलकर निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं सिर्फ यहां हिमांशु भाई या डिंगरा साहब के कहने पे एक आधा घंटे आपसे बात करके लेक्चर देके जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं शायद एक नई शुरुआत करने के लिए आया हूं इस देश के पैन इंडिया फैले हुए एजुकेटर्स के साथ में। क्या हमारे स्कूल्स में कहीं कॉम्प्लीमेंट्री को समझने का कोई चैप्टर है, ताकि बच्चा ये जान सके कि ये तो सब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, हाउ ब्यूटिफुल। अगर मेरे मन में ये भावना आ जाए कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरा मालिक मेरे कॉम्प्लीमेंट्री है, और मालिक के मन में, और मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, तो मेरे मन में ये भाव आ जाए कि ये जो नौकर है, नौकर मीन्स सामान्य शब्द में यूज़ कर रहा हूँ, एम्प्लॉय है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है, इसके बिना मेरे कंपनी का अस्तित्व नहीं है, मेरे बिना मालिक का अस्तित्व नहीं है, मेरे अंदर एक नई तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग तरह की एरोगेंस खत्म हो जाएगी, इंटरपर्सनल बिहेवियर चेंज हो जाएंगे, स्त्री और पुरुष के बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। जिंदगी भर उल्टा लगा रहता है, उसके बाद जब पत्रकार बनता है सबसे पहले 12th का रिजल्ट आने के बाद लिखता है लड़कियों ने बाजी मारी। अरे कंपटीशन कराया था क्या लड़कियां लड़कियों के बीच में? हम एक अनवांटेड एनिमिटी पैदा कर रहे हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेंसेस हैं समाज में, सब पूरकता में चल रहा है, प्रकृति में तो बहुत कुछ इतना कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का। मैं इसीलिए कहा कि एक पेरेंट के रूप में मैं देखता हूं, मैं अपने बच्चे के साथ एक दिन मार्केट में जा रहा था, हिमांशु टाइम है थोड़ा सा 10 मिनट, मैं अपने बच्चे के साथ जा रहा था और उसको कहीं, मैं किसी स्कूल को ब्लेम नहीं करता, पर कहीं से आया कि ये सड़क पे बैठे हुए लोग तो दे आर डिस्गस्टिंग। उसने मुझे कुछ ऐसा, ही वॉज 6 ईयर ओल्ड दैट टाइम, तो ही सेड समथिंग नॉट नास्टी बट समथिंग नेगेटिव अबाउट इट। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, वो किनारे भुट्टा वाला बैठा हुआ था और उसने उसके बारे में कुछ कहा कि ये तो सब एंक्रोच करके बैठ जाते हैं टाइप का कुछ बोला। ठीक है, आई एम नॉट सपोर्टिंग एंक्रोचिंग एंक्रोचमेंट, बट उस बंदे के प्रति अगर मेरे बेटे के मन में हीन भावना है, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री सेंस पे बात नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने बेटे से थोड़ी सी एक्सरसाइज की, मैंने उससे पूछा बेटा भुट्टा खाते हो? हाँ जी। कब कब खाते हो? व्हेनेवर।
whenever means on what frequency? Almost twice, thrice a week, sometimes daily also. Bhutta kahan se milta hai? Fortunately, main Delhi se 50 kilometer dur mera gaon hai, jahan mere parivar ke khet hain, wahan pe bhutta bhi hota hai. Usko ye pata tha. Bhutta to gaon se milta hai. To kab jate ho gaon? 2-3 mahine mein ek baar jate hain. तो अगर गांव से ही भुट्टा खाना पड़े तो कितना समय लगेगा भुट्टा मिलने में? कितनी बार भुट्टा खा सकते हो एक साल में? एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार. लेकिन दो दिन में, अगर हफ्ते में 2 बार खा लेते हो तो किसकी वजह से खा लेते हो? ये तो भुट्टे वाले भैया की वजह से खा लेते हैं. इम्पोर्टेंट है ये रिलेशनशिप पहचानना. ये रिलेशनशिप पहचानना इम्पोर्टेंट है. नेचर के, ये तो व्यक्तियों के साथ हमने रिलेशनशिप पहचान, कितना कॉम्प्लीमेंट्री फैब्रिक है, इसको हमने बात नहीं करते हैं. और हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है, कोई चैप्टर्स नहीं है, कोई थ्योरीज नहीं है इस सब को बात करने की. नेचर के साथ ताने बाने को पहचानने की थ्योरीज नहीं है. आज हम बड़े शान से कहते हैं पेट्रोल की कीमत 50 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर. ये पेट्रोल कहाँ से आता है? ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने की हैं, बच्चों के साथ डिस्कशंस किए हैं, जिनका जिक्र हिमांशु कर रहे हैं. मैं बच्चों के साथ जाता हूँ तो इन सब पर बात करता हूँ. पेट्रोल की कीमत 50 रुपये लीटर. पेट्रोल कहाँ से आता है? आपने रटा रखा है ठीक से? वहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में कुएँ हैं, असम में कुएँ हैं, वहाँ कुएँ हैं, वहाँ से निकल के आता है. उसमें कितना जाता है 50 रुपये में से? कुछ नहीं जाता. फिर ये 50 रुपये किस लिए है? इसका तो पता नहीं. सो क्या कर रहे हैं हम? बस हम उसको रटा रहे हैं, 50 रुपये की में पेट्रोल आ जाता है. और उसके बाद जितना बड़े बाप का बेटा उतना पेट्रोल फूंकने का अधिकारी. फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ रहा है कितना पेट्रोल फूंक रहे हैं. मैंने, मेरे पिताजी ने रिश्वत लेके पैसे कमा लिए, उसके बाद मैं कितना ही पेट्रोल फूंक सकता हूँ. लेकिन अगर उस एज में हमने बच्चे को ये सिखा दिया कि इस धरती के सारे इंसानों की हैसियत नहीं है मिलके कि पेट्रोल की एक बूंद बना सकें. धरती के अंदर कई हज़ार साल की केमिकल, सोशल, अलग अलग तरह की प्रोसेसेस के बाद में एक पेट्रोल की बूंद तैयार होती है. उसको धरती से निकाल के मेरी गाड़ी तक लाने में, रिफाइन करने में कुछ लोग लगते हैं, उनका घर चल सके, इसके लिए मैं 50 रुपये देता हूं. ऐसा ही है ना? तो उसको अचानक अपने 50 रुपये की कीमत भी समझ में आ जाएगी, कहां जा रहा है ये भी समझ में आ जाएगा, और पेट्रोल भी समझ में आ जाएगा. लेकिन हम नेचुरल वे में जैसा है वैसे के तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं अपनी क्लासरूम्स में. ये मेरी एक पीड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो मैं चाहता हूं कि हम सब इस पे ध्यान दें. बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं. एक और उदाहरण मेरे मन में आता है, मैंने अपने बच्चे की किताब से देखा. उसके बच्चे की किताब में किसी जगह आया एक शब्द था जेंटलमैन. अब जेंटलमैन के ऊपर एक तस्वीर बना दी गई अर्ली चाइल्डहुड एज, बहुत ही सूटेड बूटेड सा आदमी, एकदम ऐसे खड़ा हुआ, बैग लेके, टाई लगा के. अब क्या हो गया? उस बच्चे को समझ में आ गया कि जेंटलमैन तो ऐसा होता है, क्योंकि जिस एज में आप उसको ये जेंटलमैन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उसकी पिक्चोरियल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, लर्निंग लेवल थ्रू पिक्चर्स ज़्यादा है. पर वो उतना नहीं सीख रहा है जितना आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वो 360 डिग्री सीख रहा है. और ये हमको स्वीकार नहीं है कि बच्चा 360 डिग्री सीख सकता है. हमको लग रहा है बच्चा तो उतना ही सीखेगा जितना हम सिखाएंगे जी फॉर जेंटलमैन. लेकिन बच्चा तो उस पिक्चर को देख के एक इमेज बना रहा है, जिंदगी भर के लिए कैद करके रख रहा है. उसके बाद उस बच्चे का फादर अगर किसान है, जिंदगी भर अपने पापा को किसान नहीं मान सकता, जेंटलमैन नहीं मान सकता. अगर उसके बच्चे के पापा, अगर उस बच्चे के पापा कोई ऐसा काम करते हैं जो सूट टाई वाई लगाने का काम नहीं है, जिसमें प्रोफेशन में, जिंदगी भर नहीं मान सकता है. और मैं यहीं की बात कर लेता हूं, हमने सब ने वो पढ़ा हुआ है. यहीं मैं 4 लोग खड़े कर देता हूं और आपसे उस कोने में खड़े होकर बात करता हूं कि वो जो फलाने सज्जन खड़े हैं ना, कौन से वाले, द येलो शर्ट? नो, द जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन. हम किसको मार्क करेंगे आप बता दीजिए, अगर एक आदमी टाई वाला हुआ तो? हम इस कमरे में बैठे हुए लोग, पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले लोग, क्या हमारे माइंड में तुरंत क्लिक नहीं कर जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिस आदमी एक कुर्ता पजामा में खड़ा हो, एक बिना सूट बूट में ऐसे ढिंगरा साहब की तरह खड़ा हो, एक भाई साहब की तरह खड़ा हो टाई लगा के, और आप उस कोने में खड़े हो. आई एम टॉकिंग अबाउट द जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन. And believe me, how many of them in this room will not accept, will not point out exactly the person I am talking about. So, ये क्या कर रहे हैं हम? कहाँ से आए हमारे अंदर? हमको भी किसी ने जेंटलमैन की पिक्चर दिखा दी होगी किसी समय, नोइंगली और अनोइंगली. सो मैं आप सब लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो 360 डिग्री सीख रहा है. आज से 50 साल पहले पढ़ाने का तरीका आपका जो भी था वो बहुत अच्छा था,
क्योंकि बच्चे के पास में इंफॉर्मेशन का सिर्फ दो ही जरिया थे, स्कूल और पेरेंट्स. अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के पास में इंफॉर्मेशन बहुत कम होती थी एज कम्पेयर टू स्कूल एंड टीचर. टीचर का इंफॉर्मेशन का नॉलेज का लेवल कहीं ज़्यादा हाई होता था, पेरेंट्स का कंपेरेटिवली एंड जनरली, स्पेसिफिक केसेस की मैं बात नहीं कर रहा, कम होता था. उस वक्त आपने जो डिज़ाइन किया एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा था. आज की तारीख में बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा जानता है. आप अपनी तो छोड़ दीजिए, वो दुनिया के इतने लोगों से अपने फ़ोन पे बैठ के बात कर सकता है, इतने लोगों से कम्पीट कर सकता है, किस किस तरह के कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकता है, आप अज्यूम नहीं कर पाएंगे. हम उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं. आज हम उस बच्चे को नहीं पढ़ा रहे जिसका इन्फॉर्मेशन के लेवल पर सिर्फ दो ही सोर्स थे और क्रेडिबिलिटी के नाम पर एक ही सोर्स था, टीचर. मदर फादर कभी भी किसी बच्चे के लिए क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं हुए थे, आज भी नहीं है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी यहाँ पहुँच गई है कि उस बच्चे के पास इतने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि टीचर्स के सारे कलेक्टिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कम पड़ गए, स्कूल का हमारे सारे कैरिकुलम कम पड़ गया उसके सामने. वी हैव टू शेप अप ए माइंड विच इज बींग अफेक्टेड, विच इज बींग, लेट मी यूज दिस वर्ड, विच इज बींग अटैक्ट डे एंड नाइट थ्रू एवरी कॉर्नर. 100 टीवी चैनल्स, 5000 गेम्स, वेबसाइट्स, गेम साइट्स एंड पीयर प्रेशर्स, ऑल दीज थिंग्स आर अटैकिंग द माइंड ईच एंड एवरी मिनट. पार्टी में भी जाता है तो वहाँ एक पीयर प्रेशर होता है, अब हमको उसको हैंडल करना है. वो बच्चा हमारे पास में 4 घंटे के लिए आ रहा है, 5 घंटे के लिए आ रहा है. सो वी हैव टू शेप अप आर एजुकेशन कंटेंट एंड सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन ए वे सो दैट वी कैन मेक आर सेल्फ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट चाइल्ड. सॉरी टू से, वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड. हम पुराने ढोल पीट रहे हैं, अभी पुराने तौर तरीकों से उस बच्चे को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लासरूम होगा ओबीडेंट, माने जो बच्चा क्लास में कम बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा तो ओबीडेंट नहीं हुआ, जिस क्लासरूम में कम शोर मचेगा वो ज़्यादा ओबीडेंट क्लास होगी, ऐसा ही हम लोग डिफाइन करके रखते हैं. कीप क्वाइट इज द डेफिनेशन ऑफ बींग ओबीडेंट. तो ये हमारे पुराने तरीके किसी समय अच्छे रहे होंगे जब इवॉल्व हुए, आज नहीं है. आज आप आज उसको बोलने नहीं देंगे, वो बाहर निकलते क्या बोलेगा आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता है. और इसी का नतीजा है कि एक नई जनरेशन हमारी क्रिटिकल पैदा नहीं हो रही है. क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है पढ़ाने का. मैंने कहा मैं तो एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ और मेरा एजुकेशन प्रोफेशन भी नहीं था. मैं तो संयोग से इस फील्ड में आ गया और आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ. क्यों मैं कर रहा हूँ इसकी बात, क्यों एज ए लीडर मेरी ज़रूरत महसूस हो रही है मुझको कि हमें एजुकेशन के कंटेंट पे क्लासरूम को एक आंदोलन में बदलने की ज़रूरत है. साथियों, आपके पास 40 बच्चे, 50 बच्चे, 30 बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वो आंदोलन की सबसे बढ़िया, सबसे फर्टाइल ग्राउंड है. किस चीज़ के खिलाफ आंदोलन? वो जो समाज में चल रहा है उसके खिलाफ आंदोलन. समाज में धर्म के झगड़े चल रहे हैं, हमको क्लासरूम में बैठ के सेटल करना पड़ेगा कि ये बच्चा जब जाए तो उन धार्मिक झगड़ों में शामिल ना हो पाए. इवन को इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश करे तो उसको क्लैरिटी है, उसको इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे भी कोई ऐसा मटेरियल मिले तो उसको क्लैरिटी रहे, नहीं नहीं आई हैव अंडरस्टूड इट, दिस इज रविश. दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर. धर्म के, जाति के झगड़े हैं, क्षेत्रवाद के झगड़े हैं, क्रिटिकल नहीं है. 5000 साल पहले जिसने कुछ कह दिया उसी को माने बैठे हैं. नया करने की क्षमता पैदा नहीं हो रही है हमारे बच्चों में. आप देखिए कितने बच्चे हैं जो नया पैदा कर सकते हैं, नया सोच सकते हैं, रिस्क ले, क्योंकि नया करने के लिए रिस्क चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता चाहिए. और रिस्क लेने की क्षमता हम लोग नहीं पैदा कर पा रहे हैं बच्चों में, क्योंकि हम जब पैदा कर पाएंगे तो हमारी क्लास में पढ़ने वाले 40 बच्चों में से कम 38 के बीच होनी चाहिए. अभी तो 38 में से 40 में से 2 के बीच, उसके बहुत सारे और संयोग कारण हो सकते हैं. क्योंकि जब क्लासरूम से रिवॉल्यूशन से पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, नया करने की जिजीवशा पैदा होगी, हिम्मत पैदा होगी, तो वो 40 में से 38 बच्चों की में पैदा होगी कम से कम. और उसका नतीजा क्या हो रहा है, एक नेशन जो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, एक सोसाइटी जो अपने आप में अपने थॉट्स पे कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने थॉट्स के प्रति क्रिटिकल, अपनी कन्वेंशंस के प्रति क्रिटिकल नहीं है, कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है. 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कहा था शून्य है, शून्य की खोज की उसने किया, और हमने 1500 साल क्या किया, हमने 1500 साल गाना गाया. जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, हमने गाना गाया. और उसी शून्य का 1500 साल पहले जिस हिंदुस्तान ने शून्य का आविष्कार किया, उसी शून्य का इस्तेमाल अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट ने करके पूरा साइबर वर्ल्ड उस शून्य में खड़ा कर दिया. हम गाना गाते रह गए, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई.
उन्होंने साइबर वर्ल्ड खड़ा कर दिया, आज वो ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, हम अपने लड़के लड़कियां नौकरी करने भेजते हैं उनके यहाँ पे, और हम कहते हैं कि हम तो बहुत महान देश थे पहले से, हम अच्छे, अच्छा हमने किया है, काफ़ी कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में कुछ नहीं हुआ। मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी एजुकेटर मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन की आज तक की बहुत अचीवमेंट हैं। आज मैं अगर आपके सामने खड़ा होकर इस मंच से बोल पा रहा हूँ और आप में से कोई इस बात को लेकर क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि ये जो आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहा है इसका धर्म और जाति क्या है, वो एजुकेशन की अचीवमेंट है आज हमारे यहाँ। आज आपके सामने कोई आदमी इंटरनेट यूज़ करता है और आपके मन में कभी भी ये सवाल नहीं उठता, मतलब आपके माने समाज के मन में, समाज में किसी के मन में ये सवाल नहीं उठता है कि इंटरनेट यूज़ करने वाले की जाति क्या है, ज़रा पूछ के तो देख लें इस जाति के लोगों की हिम्मत कैसे हुई इंटरनेट यूज़ करने की, आज ये क्वेश्चन नहीं बचा है समाज में, वो एजुकेशन की वजह से है। 500 साल पहले गुलाम खरीदना और रखना या गुलाम की तरह बिकना समाज की स्वीकृति में था, आज कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है अपने सामने किसी गुलाम को बिकते हुए देखकर, खुद के लिए गुलाम होकर बिकना या खुद के लिए गुलाम खरीदना तो अलग छोड़ दीजिए, ये एजुकेशन की अचीवमेंट है। लेकिन जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ का चर्चा करना ज़रूरी है, जो छूट गया एजुकेशन से वो बहुत क्रिटिकल है और वो बहुत स्लो है। इसीलिए मैंने कहा हम अतीत के गुणगान में बहुत लग गए हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अतीत का गुणगान बहुत करते हैं। हमारे यहाँ आर्यभट्ट हुए थे, अरे सर जी आर्यभट्ट हुए थे उसके बाद हमने क्या किया, आर्यभट्ट तो होके चले गए। मुझे कई बार लगता है कि अगर आइंस्टाइन हिंदुस्तान में पैदा हुए थे तो हिमालय में एक मंदिर बना देते हम लोग उसका, और समझा रहे होते अपने बच्चों को 14 कोस की परिक्रमा है, सीधे चले जाओगे पेट के बल लेट के जाओगे तो जल्दी साइंस समझ में आ जाएगी, पैदल जाओगे तो इतने दिन लगेंगे साइंस समझने में, हेलीकॉप्टर से चले गए तो इतने दिन लगेंगे साइंस समझने में। मैं किसी धर्म और किसी मान्यता का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, उनकी सबकी एक साइंस है, हमने उसके हमने अपनी साइंस के चक्कर में वो साइंस भी खो गई। हम सिर्फ चालीसाएँ रट रहे हैं, आइंस्टाइन चालीसा, आर्यभट्ट चालीसा, और हम चालीसाओं का देश बन गए, हम नया सोचने की क्षमता खत्म कर दी है। तो मैं इस सभा के माध्यम से, जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक बहुत बड़ा स्वार्थ मुझे यहाँ पे खींच के लाया है, और मेरा वो स्वार्थ है साथियों, मेरा एक सपना है कि इस देश की पॉलिटिक्स में एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा बने, इस देश की सोच में एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा बने। मैं एक ऐसे दिन का सपना देख रहा हूँ कि हमने बड़े बड़े तरह के इलेक्शन देखे हैं, हम आ गए तो गरीबी हटा देंगे, हम हटा गए तो हिंदुओं को राज दे देंगे, हम आ गए तो मुसलमानों को राज दे देंगे, हम आ गए तो सिख इनका ये कर देंगे उनका ये कर देंगे, हमने अलग अलग तरीके के अलग अलग रीजनल विजावी नेशनल इलेक्शंस में अलग अलग मुद्दे देखे हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में इस बात पर डिबेट हो और पॉलिटिकल पार्टीज आके खड़ी हों और कहें कि अगर हम आ गए तो हम एजुकेशन को यहां ला के खड़ा करेंगे, उस पर इलेक्शन लड़े जाएं। गलत सपना तो नहीं देख रहा जी? इस सपने को मैं अकेला नहीं सच कर सकता, इस सपने को मैं आप जैसे लोगों के साथ मिलकर सच कर सकता हूं।